शाहरुख खान डरते हैं क्या? आप ही कहते चैनल पर था अभी थोड़े दिन पहले, आज तक है ना? हाँ आज तक मैंने सुना शाहरुख खान को ही क्यों डर लगता है? डर अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, डर क्या लगता है? शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों भी भटकना पड़ेगा। आपको लगता है उस सोशल बॉयकॉट से आप लोगों का नुकसान हो? ऐसा बड़ बोल नहीं बोल रहा यार, हवा से थोड़ा हिलने वाला हूँ मैं यार। हवा से झाड़ियाँ हिलती हैं। Nobody is responsible to decide मैं किसको जवाब दूंगा या किसको जवाब नहीं दूंगा। और मुझे बहुत एम्बेरसमेंट होती है कि मैं किसी के सामने, इंक्लूडिंग आप, मैं बैठ के बार बार ये बताऊँ कि मैं किस देश का हूँ और क्यों, क्योंकि किसी ने डिसाइड कर लिया कि मैं जवाब दूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल पूछ लिया किस पर जो गलत है, और किससे जिसने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा, और मैं जवाब दूं क्यों? अमेरिका के टेलीविजन चैनल्स देखता हूं, उनके जर्नलिस्ट को सुनता हूं, जब वो बात करते हैं तो हर मुद्दे पे वो हर किसी इंसान को ला के उसकी जो बात है वैसे ही प्रकट करते हैं जैसी उसने कही है। बाजीगर का म्यूज़िक बैकग्राउंड में नहीं होता, थोड़ा सा उसको हल्का कर दिया जाता है। कौन हल्का करता है? Everyone, all of you people, when I see an interview, उसमें कुछ music आ रहा है, कुछ sound bite हो रहा है। मीडिया में मैंने खुद debates किए आज तक पर, जिसमें हमने defend किया कि आप। Oh, thank you so much. साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश के जरूरी मुद्दों को साइड में रख करके पठान और बेशर्म रंग को आगे करने वाली इस दलाल भांड कॉरपोरेट दरबारी मीडिया को शाहरुख खान ने उसी की भाषा में जवाब देते हुए उसकी हैसियत बता दी है। गोदी मीडिया की सिरमौर वो अंजना ओम कश्यप, जो विपक्ष से बड़े तीखे सवाल पूछने के लिए जानी जाती हैं, वो अंजना ओम कश्यप और वो आज तक चैनल जो पठान फिल्म पर बेशर्म रंग पर लगातार प्रोग्राम बना रहा था और बता रहा था कैसे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, वही अंजना ओम कश्यप जब शाहरुख खान के सामने पहुंचती हैं तो भीगी बिल्ली बन जाती हैं, मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं, लगता है जैसे शालीनता की प्रतिमूर्ति बन गई हों। और तो और शाहरुख खान जब हाथ चूमते हैं तो शर्म से पूरी तरीके लाल हो जाती हैं। I can do it to you. I can give me a hand. I'll do it for you. Oh, see. Thank you so much. ये तो सिर्फ एक बानगी भर है। पठान फिल्म को लेकर के जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए, जितना ट्रोल किया गया, ट्रेंड चलाया गया कि इस फिल्म को बायकॉट करना है, उन सब मुद्दों पर शाहरुख खान कहीं भी दबे नजर नहीं आए। इस दौरान जहां जहां उनका बयान या मीडिया में इंटरव्यू सामने आया, पूरी तरीके से इस मुद्दे के साथ खड़े रहे। विपक्ष के तमाम सारे नेता जो इन ट्रोलबाजों के दबाव में दब जाते हैं, उनको शाहरुख खान जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि यहां भी सवाल धंधे का है। इसके बाद भी शाहरुख खान उन ट्रोलबाजों को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मैं कोई झाड़ी नहीं हूं जिनको इस जरा सी हवाओं से फर्क पड़ जाए। आपको लगता है उस सोशल बॉयकॉट से आप लोगों का नुकसान हो? ऐसा बड़ बोल नहीं बोल रहा यार, हवा से थोड़ा हिलने वाला हूं मैं यार। हवा से झाड़ियां हिलती हैं। वो लोग बड़े खुश होंगे कहीं पे कि यार शायद उससे हमने हिला डाला, एंड अगर हुआ तो खुश, वो भी खुश हों, हमारी वजह से ही खुश हैं। बट इस देश में, भारत में जितना प्यार मुझे किया जाता है, मैं ये डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, बहुत कम लोगों को किया गया है। और वो प्यार एक बात से या दो चीजों से सही गलत लोग समझते हैं, एंड आई डोंट थिंक दैट हैज अफेक्टेड मी। हालांकि ये बातचीत मीडिया क्रिटिक के इंटरव्यू में की गई है। अब हम फिर से लौट कर आते हैं अंजना ओम कश्यप के इंटरव्यू पर। उसमें स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि शाहरुख खान को डर लगता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब वो आज तक चैनल का नाम लेते हुए कह रहे हैं, क्या खाक शाहरुख को डर लगता है? ये भी सुन लीजिए। चैनल पे मुझे डर किससे लगता है? शाहरुख खान डरते हैं क्या? आप ही कहते चैनल पे था अभी थोड़े दिन पहले, आज तक है ना? हाँ आज तक मैंने सुना शाहरुख खान को ही क्यों डर लगता है? डर अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, डर क्या लगता है? बट इट साउंड्स वेरी रॉन्ग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन एज एन इंडियन। अब इस इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिससे विपक्ष को सीख लेने की जरूरत है, शाहरुख खान सीधे सीधे इंडियन मीडिया यानी कि गोदी पत्रकारों पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जब अमेरिका के चैनल देखता हूं और जब इंडिया के चैनल देखता हूं तो दोनों में अंतर है। अंजना ओम कश्यप के सामने ही
बुरा मत मानिएगा कह करके सब कुछ कह डाल रहे हैं, सुनिए। हमने देखा हॉलीवुड के तमाम स्टार्स होते हैं जो किसी भी इशू पर बात करते हैं, चाहे वो उनको अफगानिस्तान पे बोलना हो, इराक पे बोलना हो, किसी भी गंभीर मुद्दे पर, वो अबॉर्शन जैसे मुद्दे पर। पर क्या हिंदुस्तान में झिझक है शाहरुख खान या तमाम ऐसे स्टार्स में किसी मुद्दे को स्टैंड लेकर, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम एलिमेंट्स हम देखते हैं। मैं भी जब अमेरिका के टेलीविजन चैनल्स देखता हूँ, उनके जर्नलिस्ट को सुनता हूँ, जब वो बात करते हैं तो हर मुद्दे पे वो हर किसी इंसान को ला के उसकी जो बात है वैसे ही प्रकट करते हैं जैसी उसने कही है। बाजीगर का म्यूज़िक बैकग्राउंड में नहीं होता है। तो जिस दिन हम लोग अपनी बातों को वैसे ही प्रकट करेंगे जैसा वो, सी पहला बात ये है कि आप ये मत समझें कि एक्टर को लाए हैं तो थोड़ी पब्लिसिटी के लाए हैं। हो सकता है किसी का जो भी प्रोफेशन है, जो बात करते हैं, हम सब इंसान लोग सेम बात समझते हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, गंभीर हैं, हर चीज़ हमारी ज़िंदगी को भी इफेक्ट करती है। अगर एक लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे ये भी डर लगता है मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। इट अफेक्ट्स अस, वी बिलीव इन इट, वी वांट टू टॉक अबाउट इट, बट उसकी जो प्रेजेंटेशन है उस गंभीरता से अगर की जाए, जिस गंभीरता से बोला है, जिस बात को कोई भी प्रोफेशन हो, वाई एक्टर्स, तो हम सब बोलने को तैयार हैं। लेकिन अमूमन ऐसा बुरा मत मानिएगा, वर्ड शायद मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको हल्का कर दिया जाता है। कौन हल्का करता है? Everyone, all of you people, when I see an interview, उसमें कुछ म्यूजिक आ रहा है, कुछ साउंड बाइट हो रहा है, हम कई बार ऐसा दिमाग में होता है, एक्टर हैं तो नाचते गाते हैं, तो पब्लिसिटी के लिए उसको ऐसे इस्तेमाल करो, अरे उसका इंटरव्यू मिल गया शाहरुख खान का, कुछ म्यूजिक म्यूजिक के साथ कुछ कमाल का हो गया 10 मिनट का। दैट्स नॉट ट्रू, यू टॉक टू मी सीरियस थिंग्स, आई विल आंसर देम सीरियसली। हमने मीडिया में, मैंने खुद डिबेट्स की आज तक पर, जिसमें हमने डिफेंड किया कि आपको वो हक है कि आप अपनी बात कहें। दोस्त देखता हूं, बिलीव यू मी, चैनल्स के ऊपर भी देखता हूं, न्यूज़ भी पढ़ता हूं, अखबारों में भी पढ़ता हूं, कई लोगों को तो दे डोंट इवन डिजर्व टू बी देयर। भीगी बिल्ली बनी अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती यहीं नहीं रुकी, आगे भी सुनिए। बोले एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा, जबरदस्ती माइक मुंह में ठूंस देंगे तो नहीं बोलूंगा, तो नहीं बोलूंगा। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर आपका माइक मेरी नाक में हो, मैं तो नहीं करूंगा, अब तो नहीं करूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं वहां कैसे बोल रहा हूं, मैं बाहर निकला, मुझे पता भी नहीं है क्या बात हो रही है, और उसका एक मुद्दा बन जाता है। सो वो तो नहीं होगा। ये वीडियो किसी फिल्म या फिल्म स्टार के महिमा मंडन का नहीं है। पठान फिल्म कैसी है, वो गाना कैसा है, शाहरुख खान कैसे एक्टर हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मौजूदा दौर में बेवजह की ट्रोलबाजियों से बचने के लिए, बेवजह के बायकॉट ट्रेंड से बचने के लिए, बेवजह के विवादों से बचने के लिए और उनको जवाब देने के लिए, शाहरुख खान जैसा एटीट्यूड और रुख विपक्ष को और तमाम सारे सोशल एक्टिविस्टों को भी अपनाना पड़ेगा, जो जरा सी ट्रोलबाजी में, जरा से बायकॉट ट्रेंड पर, जरा सी आलोचना पर बिखर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। उनको शाहरुख खान से कम ये सीखना चाहिए, जिसको पता है कि मेरी फैन फॉलोइंग मेरे साथ शिद्दत के साथ खड़ी है, किसी कलर की बिकनी पहन लेने पर बदलने वाली नहीं है। उसी तरीके से विपक्ष के नेताओं को भी ये भरोसा होना चाहिए कि मेरे जो वोटर हैं, मुझे जो पसंद करने वाले लोग हैं, वो इन छोटे छोटे छद्म मुद्दों पर बिखरेंगे नहीं, बल्कि असली बात है हमारे मुद्दे कि हमें पसंद किस वजह से किया जा रहा है। वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि जनता की पसंद वो अपने संघर्ष के दम पर हो सकते हैं, इन ड्रामेबाजी वाले मुद्दों पर नहीं। मतलब क्लियर कट लाइन खींच करके चलनी चाहिए, जैसे शाहरुख खान ने खींच दी है। गलती मानने की बजाय, दबने की बजाय, झुकने की बजाय उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस तरफ खड़े हैं। वैसे ही विपक्ष के नेताओं को लाइन खींचनी पड़ेगी कि हम मंडल के साथ खड़े हैं, कि कमंडल के साथ, पाखंड के साथ, कि विज्ञान के साथ। निश्चित तौर पर ट्रोल्स, बायकॉट ट्रेंड और बीजेपी आईटी सेल के लिए शाहरुख खान का यही एटीट्यूड, यानी कि रंगबाजी वाला तरीका कामयाब हो सकता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।